Audio Jungle. नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आज की मुख्य बड़ी खबर, शिक्षक बनने के लिए छोड़ी सरकारी नौकरी, सपना भी था और वेतन भी अधिक, अब ना टीचर रहे और ना नौकरी बची। कहावत में सही कहा गया है, न घर के न घाट के। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की नियोजन नीति 2016 को रद्द किया है। पूर्वी सिंहभूम में करीब 382 शिक्षक नियुक्त थे, इनमें से कई ऐसे थे जो हाई स्कूल का शिक्षक बनने के लिए सरकारी नौकरी छोड़कर आए थे। उनका सपना शिक्षक बनना था और वेतन भी अच्छी थी। करीब 1.5 साल से ये शिक्षक जिले के अलग अलग स्कूलों में सेवा दे रहे थे और वेतन उठा रहे थे, लेकिन अब उनकी नियुक्ति को हाईकोर्ट ने गलत बताते हुए रद्द कर दिया, जिसकी वजह से ये शिक्षक अब बेरोजगार हो गए। झारखंड से अगली बड़ी खबर सामने निकल कर आई है, मंत्री ने निभाया अपना वादा, मैट्रिक व इंटर के टॉपरों को गिफ्ट किया है कार। हाँ दोस्तों, झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अपना वादा निभाया है। उन्होंने अपने वादे के मुताबिक 2020 की जैक 10वीं और 12वीं की परीक्षा में टॉप किए विद्यार्थियों को कार गिफ्ट किया है। झारखंड विधानसभा परिसर में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो तथा शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट के टॉपरों को ऑल्टो कार देकर पुरस्कृत किया। शिक्षा मंत्री ने अपने ही खर्च पर ऑल्टो कार खरीद कर दिया है। मनीष कुमार कटियार मैट्रिक तथा अमित कुमार इंटरमीडिएट के टॉपर हैं। अगली बड़ी खबर झारखंड से निकल कर आ रही है। झारखंड के शिक्षा मंत्री बोले, स्कूल खोलने के मामले में केंद्र ने राज्यों पर थोपने का किया है काम। केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार जिन राज्यों में स्कूल खुल रहे हैं वहां की स्थिति का अध्ययन करने के बाद ही झारखंड में स्कूल खुलेंगे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि स्कूल खोलने वाले दूसरे राज्यों की स्थिति और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वहां किए जा रहे उपायों का अध्ययन करने के बाद ही राज्य में स्कूल खोलने पर निर्णय लिया जाएगा। कक्षा 9 से 12 के लिए स्कूलों को खोलने को लेकर केंद्र की गाइडलाइन पर मंत्री ने कहा है, केंद्र ने गाइडलाइन जारी नहीं की है, राज्यों पर थोपने का काम किया है। बता दें कि केंद्र ने 21 सितंबर से कक्षा 9 से 12 तक के लिए स्कूल को बच्चों को मार्गदर्शन के लिए खोलने की अनुमति दे दी है। इसके तहत इन कक्षाओं के विद्यार्थी अपने अभिभावकों से अनुमति लेकर स्कूल आकर शिक्षकों से मार्गदर्शन कर रहे हैं। बिहार सहित कुछ अन्य राज्यों में इन गाइडलाइंस के अनुसार स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया है, लेकिन झारखंड सरकार ने 30 सितंबर के बाद ही समीक्षा के बाद स्कूल खोलने की बात कही है। देश से अगली बड़ी खबर सामने निकल कर आ रहा है, सभी महिलाओं को मिल रहा है 4 लाख तक का लोन, जाने इसका क्या सच है। मोदी सरकार की मदद से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने महिलाओं को अपना कारोबार शुरू करने के लिए 4 लाख रुपए तक का लोन दे रही है। इस तरह का एक वीडियो मैसेज सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने वैभव लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 4 लाख रुपए तक का बिजनेस लोन दिया जा रहा है। जो भी महिलाएं अपना कारोबार शुरू करना चाहती हैं या आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, उन्हें ये लोन मिल जाएगा। दावा किया भी जा रहा है कि लोन अमाउंट सीधे आवेदन करने वाली महिला के बैंक अकाउंट में पहुंच रहा है। दरअसल यह मैसेज पूरी तरह से फेक है दोस्तों, इस पर कभी भी ना जाए। सरकार ने साफ किया है कि इस तरह की कोई भी योजना नहीं चलाई जा रही है। अगर कोई महिला इस झांसे में आती है तो वह मैसेज के जरिए धोखाधड़ी का शिकार हो सकती है। वीडियो में कहा जा रहा है कि कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार महिलाओं को ध्यान में रखकर वैभव लक्ष्मी योजना के तहत अपना कारोबार शुरू करने के लिए 4 लाख रुपए तक का लोन आसान शर्तों पर उपलब्ध करा रही है। झारखंड से अगली बड़ी खबर सामने निकल कर आ रहा है, एक गेम झारखंड के युवा ने किया है तैयार, विंग कमांडर अभिनंदन को समर्पित किया है वीडियो गेम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान पर राज्य के बीटेक छात्रों की 15 सदस्य टीम ने पुलवामा और बालाकोट के नाम वीडियो गेम तैयार किया है। यह वीडियो गेम विंग कमांडर अभिनंदन के साहसिक कारनामा को समर्पित किया है, साहसिक कारनामाओं को दिखाता है। फर्क सिर्फ इतना इस गेम में है कि विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान में नहीं पकड़ा जाता, बल्कि 4 लेवल में दुश्मन देश के कई खुफिया राज को डिकोड कर
कई आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर अपने देश वापस लौटाता है। इस गेम का अभी कंप्यूटर वर्जन तैयार कर लिया गया। इस गेम की शुरुआत में ही पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। गेम को राष्ट्रीयता से जुड़े रखने के लिए हिंदी टेक्स्ट और हिंदी में ही साउंड इफेक्ट का इस्तेमाल किया गया है। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान पर इस गेम को एक महीने में बनाया है। टीम के अन्य सदस्यों में अमित कुमार, प्रहलाद कुमार, विकास कुमार, विकास महतो, अनमोल कुमार, रागनी सिंह, रहना खातून, श्रेया मिश्रा, जतिन सिंह, आकाश कुमार, गौतम कुमार, नीतीश कुमार और शिवम कुमार शामिल हैं। टीम के सदस्य रांची, जमशेदपुर, देवघर, हजारीबाग, दुमका जैसे शहरों के रहने वाले हैं। यह बात दीपेश कुमार ने बताया। बिहार के भागलपुर से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रहा है। भागलपुर में एक माह में दूसरी बार मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। अर्धनिर्मित हथियारों का जखीरा बरामद कर लिया गया है। बिहार के भागलपुर जिले में गोराडी और लोदीपुर का इलाका अवैध हथियार बनाने का अड्डा बनता जा रहा है। एक महीने के अंदर उस इलाके में दूसरी बार मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है। पुलिस ने गोराडी से सटे लोदीपुर थाना क्षेत्र के चकदरिया से मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन कर वहां से हथियार बनाने का सामान भारी मात्रा में बरामद किया है। वहां से दो मशीन जब्त की गई है, जिससे पता चलता है कि वहां पर दो मिनी गन फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था। चकदरिया के ही रहने वाले मोहम्मद मुजमिल को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मोहम्मद मुजमिल गोराडी के उस्तू पंचायत का पूर्व पंचायत समिति सदस्य है। झारखंड से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। हेमंत सरकार शहीदों को सम्मान देने में उदासीन दिखाई है। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष ने हर माह 10,000 की सहायता देने की घोषणा की। राज्य की झामुमो सरकार शहीदों के परिजनों को उचित सम्मान नहीं दे रही है। सिद्धो कानू के वंशज परिवार के रामेश्वर मुर्मू की संदिग्ध मौत होने के बाद अब तक बरहेट के विधानसभा क्षेत्र के विधायक सह राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन परिजनों से भेंट करने तक भोगनाडी नहीं आए। ये बातें आदिवासी संघल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह जदयू प्रदेश अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने मंगलवार को भोगनाडी में रामेश्वर मुर्मू की पत्नी से भेंट करने के बाद पत्रकारों से कही। मुर्मू ने कहा कि सिद्धो कानू वंशज परिवार से रामेश्वर मुर्मू की मौत 12 जून को होने के बाद से ही वंशज परिवार के द्वारा इसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग की जा रही है, पर आज तक इस मांग का फैसला सरकार नहीं कर सकी है। इससे लगता है कि वंशज परिवार के प्रति सरकार कितना गंभीर है। उन्होंने कहा कि अब तक मृतक के परिजन से हेमंत सोरेन भेंट तक नहीं किया है। यह सरकार के शहीद परिवारों के कथनी और करनी का स्पष्ट दर्शाता है। उन्होंने कहा कि आदिवासी संघल अभियान के तहत शहीद वंशज परिवार के रामेश्वर मुर्मू की पत्नी को तत्काल 10,000 की आर्थिक सहायता दी गई। परिवार को प्रतिमाह 10,000 की राशि एक वर्ष तक दी जाएगी। वंशज परिवार के बच्चों के बीच लिए गए कालिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ओडिशा में आदिवासियों के लिए बने कॉलेज में सभी बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा ले लिया गया है। झारखंड के गोड्डा से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। क्वारंटाइन सेंटरों में मूलभूत सुविधा मुहैया कराएं, उपायुक्त ने कहा ये बात। गोड्डा जिला मुख्यालय सभागार में उपायुक्त भोर सिंह यादव की अध्यक्षता में अस्पताल प्रबंधक समिति एवं जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में सिविल सर्जन को कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए उनके बचाव एवं रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। सीएस ने बताया कि जिले में अन्य राज्यों एवं अन्य जिले से आने वाले व्यक्तियों की कोरोना जांच कर क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। बताया कि क्वारंटाइन सेंटर में मूलभूत सुविधाओं को पूरा करना अति आवश्यक है। इसके लिए बेड, गद्दा, चादर एवं इससे संबंधित अन्य सामग्री को क्रय कर लिया जाना है। कोविड-19 को देखते हुए सैनिटाइज, ग्लव्स, पीपी किट, थर्मल स्कैनर एवं सोडियम हाइपोक्लोराइड आदि क्रय पर विचार विमर्श किया गया। सीएस ने बताया कि क्वारंटाइन सेंटर के लिए 100 पीस थर्मल स्कैनर एवं इसके लिए 1000 पीस बैटरी क्रय कर लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के उपयोगिता हेतु वेंटिलेटर की आवश्यकता को देखते हुए राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त कर उसे क्रय करने का निर्णय लिया गया है। जिस जिले में परसपानी एवं सिकटिया कोविड केयर सेंटर, मर्सी हॉस्पिटल पड़ियाहाट को DCHC, हसडिया को DCH के रूप में विकसित करने की योजना स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जा रही है। यादव ने कहा कि क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण संबंधित अधिकारियों के द्वारा किया जाए तथा वहां लोगों को प्रदान की जा रही सुविधाओं का जायजा लिया जाए।